हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ अ चाइल्डहुड रिटन बाय अनिश जंग, सम पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन एंड टुडे वी आर गोइंग द फर्दर लाइंस, माय एक्वेंटेंस विद द बेयर ग्रैक बिकॉस लीड्स मी टू सीमापुरी माई एक्वेंटेंस एक्वेंटेंस का मतलब होता है आपका जान पहचान स्लाइटली नॉलेज अबाउट ईच अदर तो जो एक्वेंटेंस है इसका मतलब होता है जान पहचान तो माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट बेयर फुट का मतलब नंगे पैर चलने वाले रैक पिकर्स का मतलब कबाड़ उठाने वाले ठीक है लीड्स मी टू सीमापुरी जो लीड्स मतलब उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कहाँ का सीमापुरी का मतलब जो जो मेरी जान पहचान थी किसके साथ में जो नंगे पैर चलने वाले रैक पिकर्स थे कूड़ा कबाड़ उठाने वाले कबाड़ी थे उन, उनका उन्होंने मुझे किसका रास्ता दिखाया सीमापुरी का मतलब उनका उनके पीछे पीछे मैं भी किसकी तरफ चला सीमापुरी की तरफ चला गया उनको जानने के लिए कि इनका लाइफ किस तरह से चल रही है ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ डेली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट सीमापुरी ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ए प्लेस मतलब किसकी बात कर रहा है सीमापुरी की बात कर रहे हैं जो सीमापुरी है ये पेरीफेरी का मतलब होता है आपका आउटर बाउंड्री बाहरी सीमा तो जो पेरी जो ये सीमापुरी है किसकी बाहरी सीमा में स्थित है दिल्ली की दिल्ली की बाहरी सीमा में स्थित है येट माइल्स अवे फ्रॉम इट ये दिल्ली से कुछ मील की दूरी पर स्थित है मेटाफोरिकली Those who live दोज हुयर आर स्क्वेटर केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन नाइनटीन सेवेंटी वन दोज हुयर एक मेटाफॉरिकली पहले मेटाफॉरिकली को समझ जाता है मेटाफॉरिकली का मतलब होता है characteristics ठीक है लक्षण के रूप से मतलब जो लक्षण मतलब लक्षणिक रूप से जिनके मतलब अब इसको समझ आइए लक्षण रूप से मतलब metaphorically, those दोज हुयर आर स्क्वेटर हु केम फ्रॉम द the बैक इन in सेवन मतलब लक्ष्म मतलब दिखने में ये जो इनकी पहचान आइडेंटिटी है वो ये है कि ये जो लोग थे ये जो यहाँ पर आए हैं सीमापुरी भी उन्नीस में बांग्लादेश से आए हैं और ये स्क्वेटर का मतलब होता है आपका क्या किसी जगह पे कब्जा कर लेना अवैध कब्जा कर लेना अवैध कब्जा करने को बोलते देता है तो इन लोगों ने क्या कर दिया बांग्लादेश से आकर उन्नीस में सीमापुरी के इस इस, इस जगह पर क्या कर दिया अपना कब्जा कर दिया ये इनके रहन सहन से मेटाफोरिकली दिखता है मतलब लक्षणिक रूप से ये दिखता है कि ये लोग ने लो यहाँ पर क्या करा हुआ है स्क्वाटर करा हुआ है अवैध कब्जा करा हुआ है क्योंकि ये कहाँ के निवासी नहीं है भारत के निवासी ये कहाँ से आए बांग्लादेश में से आए हैं उन्नीस में साहिब्स फैमिली इट इज़ अमंग डैम और जो साहेब है उसका परिवार भी इन्हीं में से एक है ये जो सीमापुरी में रह रहे हैं उन्हीं में से एक है सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस उस समय जो सीमापुरी था वो क्या था बहुत ज़्यादा वाइल्डर मतलब जंगली था मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा जंगल था बहुत ज़्यादा पेड़ थे झाड़ियाँ थी और एक जंगल का इलाका था एक स्टी ये अभी भी जंगल का इलाका ही है इसके दो अर्थ हो सकते हैं जंगली का मतलब यहाँ पर रहन सहन जो है थोड़ा वाइल्ड करके मतलब जो लोग रह रहे हैं वो झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं जो कबाड़ उठाने वाले रहते हैं तो उनका जीवन स्तर भी थोड़ा सा उस तरह सही है जैसे आदि मानव का हुआ करता था बट इट इज़ नो लॉन्गर एम टी लेकिन ये अब लंबे समय तक क्या नहीं रह पाएगा खाली रहेगा ये लंबे समय तक खाली नहीं है इसकी ऐसी संभावना यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर जो बांग्लादेश से आने वाले लोग हैं वो रहना शुरू कर रहे हैं इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड यहाँ पर जो घर बने हैं स्ट्रक्चर्स का मतलब जो यहाँ पर आकड़ते हैं आकरतियाँ है मतलब यहाँ पर घर से मतलब है ऑफ मर्ड मतलब वो किसके बने कीचड़ के बने हुए मिट्टी के बने हुए तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं वो किसके बनाए गए हैं मिट्टी के बनाए गए विद रूफ ऑफ टिन एंड टैरापोलिन तो यहाँ पर जो छत है वो किसकी बनी हुई है रूफ्स ऑफ टीन टीन की रूप बनी है एंड टैरापोलिन 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 का मतलब क्या होता है तिरपाल तो जो इनकी छत है वो टीन और तिरपाल की बनी हुई है डिवॉइड ऑफ सीवीज डिवॉइड का मतलब होता है आपका इंटराइली लैकिंग मतलब किसी चीज़ की से वंचित होना ठीक है स्क्र सिटी मतलब इनके पास क्या स्क्र सिटी है कमी है लैक है किसी की कमी है सीवेज इनके यहाँ क्या नहीं है जिस इलाके में ये रहते हैं सीमापुरी वहाँ पे सीवेज लाइन है सीवर लाइन नहीं है ड्रेनेज नहीं है मतलब जो निकासी है पानी की गंदे पानी की या जो पानी की निकासी वो नहीं है और रनिंग वाटर या चलते हुए पानी की मतलब कह लें कि जो नालियाँ होते हैं गंदे पानी की या जो चलता हुआ पानी होता है उसकी कोई निकासी नहीं है लिप टेन थाउजेंड रैग पिकर्स यहाँ पर लगभग कितने रहते हैं दस हज़ार कबाड़ी रहते हैं रैग पिकर्स रहते हैं दे हैव लिव्ड हीयर फॉर मोर दैन थर्टी ईयर्स विदआउट एनी आइडेंटिटी और ये जो लोग रहे, they have lived here, रहते हैं इनको यहाँ रहते हुए कितने साल हो गए हैं लगभग कितने साल हो गए थर्टी ईयर्स तीस साल हो गए हैं विदाउट बिना किसी एन आइडेंटिटी पहचान के इनकी कोई यहाँ पहचान नहीं है मतलब इनके पास कोई यहाँ की कोई पहचान पत्र नहीं है ठीक है उन्हें बिना पहचान के बिना पहचान पत्रों के ये यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं तीस सालों से रह रहे हैं विदाआउट परमिट्स वही पहना इनके पास कोई परमिट नहीं कोई लाइसेंस नहीं यहाँ पर रहने का बट विद द राशन कार्ड्स दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट लेकिन क्या है इनके राशन कार्ड यहाँ पे बने हुए हैं ठीक है दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट और इनके नाम किस हैं वोटर लिस्ट में भी हैं तो इनके यहाँ पर क्या बनाए गए हैं राशन कार्ड बने हुए हैं और इनके नाम किस में हैं वोटर लिस्ट में भी हैं जबकि यहाँ के क्या नहीं है इनके यहाँ पर कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है एंड इनेबल टू दैम टू बाई ग्रेन और ये सब पर्याप्त है इनके लिए क्या है इनेबल मतलब योग्य बनाता है कि उनको क्या खरीदने में बाई मतलब खरीदने ग्रेन मतलब अनाज को खरीदने तो इनको राशन कार्ड पर्याप्त है राशन खरीदने के लिए फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल than an आइडेंटिटी तो इनके लिए क्या है मतलब खाना ज़्यादा जरूरी है किसी पहचान से अब यहाँ पर आइडेंटिटी के दो अर्थ हो सकते हैं दो अर्थ का मतलब एक अर्थ ये हो सकता है कि इनके पास कोई क्योंकि ये वहाँ से आए हैं तो ये लीगल रूप से इंडिया के नहीं है लेकिन यहाँ पर राशन कार्ड बनाए और एक पहचान का मतलब होता है कि जब समाज में आपका कोई अस्तित्व होता है कोई वजूद होता है कोई आपका एग्जिस्टेंस होता है ठीक है तो आप अपना क्या बनाते हैं एक पहचान होती है आप अपने नाम से जाना जाते हैं तो आइडेंटिटी इसलिए भी कह सकते हैं इसको इस में सेंस में भी कह सकते हैं कि भाई इनका कोई अपनी आइडेंटिटी मतलब इनकी कोई अपनी एक नाम की पहचान नहीं है लेकिन उनका कहना है क्या है कि फूड इज़ मोर इंपॉर्टेंट खाना ज़्यादा ज़रूरी है किससे जीने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है देन एन किसी पहचान से मतलब आपकी पहचान हो ना हो आपका नाम हो ना हो न यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण ये कि आपको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है क्योंकि खाने के बेस पर ही आप क्या करेंगे सर्वाइव करेंगे जियेंगे if at the end of the day we can feed our family and go to bed without any aching stomach ठीक है अब वो क्या कह रहा है इफ़ यदि हम ऐट द एंड ऑफ द डे दिन के अंत में वी कैन फीड फीड मतलब खिलाना भर उनकी खाना खिलाना जैसे बच्चों को फीड खाना फीड कराते हैं आवर फैमिलीज़ अपने पर मतलब अगर हम अपने बच्चों को खाना परिवार को खाना खिला पाते हैं एंड गो टू बैड और अपने बिस्तर पर जाते हैं विदाउट एन एचिंग स्टमक मतलब पेट में जो मरोड़ होती हैचिंग का मतलब जो मरोड़ होती है मतलब भूख की जो मरूड़ होती है जो भूख का दर्द होता है पेट में ठीक है उसके बगैर अगर हम अपने बिस्तर पे चले जाते हैं दिन भर में शाम को तो वी वुड रेदर लिव हीयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन तो वी वुड रेदर लिव हीयर तो हम यहाँ पर रह सकते हैं देन इन द फील्ड्स उन खेतों की अपेक्षा दैट गेव अस नो ग्रेन जो हमको कोई आने देते हैं अनाज नहीं देते हैं तो अगर हमको उन खेतों की में रहने से बढ़िया है कि हम इस जगह पर रहें क्योंकि वो खेतों में अनाज देते नहीं हैं लेकिन यहाँ पर रहकर हमारे पास राशन कार्ड है ठीक है और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं राशन खरीद कर अपना पेट भर सकते हैं ताकि हमारे शाम को हमारे पेट में क्या ना हो भूख की मरोड़ ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है कि हम यहाँ पर रहें बस कि हम उन जगहों पर रहें जो खेत हमें अनाज ही नहीं देते ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये लोग कहाँ से आए बांग्लादेश आए और यहाँ पर उनके बहुत अच्छे क्या थे हरे भरे खेत थे ठीक है लेकिन उन खेतों में अनाज इतना पर्याप्त नहीं होता कि अपने आजीविका चला सकें इसलिए ये बात यहाँ पर कही गई है से ए ग्रुप ऑफ वोमेन इज टैटर्ड सारीज़ वैन आई आस्क लेर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स वो जो मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था आपको से ग्रुप ऑफ से एक ग्रुप मतलब कहती है ग्रुप मतलब एक समूह कहता है ओमेन एक महिला को ये समूह ये उतर देता है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया इन टैटर टैटर का मतलब फटी पुरानी साड़ियाँ सारीज ठीक है फटी पुरानी साड़ी से मतलब यहाँ पे फर्टी पुरानी से मतलब होता है टैटर्ड सारी वैन आई आस्क दम वाई ये उत्तर किसने दिया था उन औरतों ने दिया था जिन्होंने क्या पहनी है फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी है आई आस्क दम वाई दे लिप्ट जब मैंने उनसे ये पूछा कि वाई क्यों उन्होंने क्या कर छोड़ दिया लेफ्ट मैंने छोड़ना दिया ब्यूटीफुल सुंदर से ज़मीन छोड़ दी और ग्रीन फील्ड्स हरे भरे खेत छोड़ दिए और अपनी वो हर लहलाती हुई जो बहती हुई नदियाँ हैं वो छोड़ दी तो जब मैंने उन औरतों से ये पूछा था कि आपने अपने हरे भरे खेत अपनी नदियाँ अपने फील्ड क्यों छोड़ दिए हैं तो वो जो फटी पुरानी साड़ियों में महिलाएं थी उन्होंने ये उतर दिया था कि किसी उन हरे भरे खेतों में रहने से बेहतर है कि हम दो रोज समय का खाना अगर हमें मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है बसरते उन खेतों में रहना वेयर एवर दे फाइंड फूड जब कभी वो उनको क्या मिलता है खाना मिलता है दे पिच दियर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स दे पिच दियर होम्स पिच का मतलब होता है गाड़ देना दियर टेंट अपने टेंट को दैट बिकम्स ट्रांजिट होम्स उनके वो ट्रांजिट होम ट्रांजिट का मतलब होता है कि जिसको आप बाद में हटा भी सकते हैं आपने कुछ समय के लिए वहाँ पे अपने तंबू काड़ दिए फिर आपको लगा कि यहाँ पर हमारी आज जी कवर नहीं चल पा रही है तो फिर आपने वो जगह बदल दी तो ट्रांजिट कह सकते हैं आप चलता है फिरता जो रास्ते में आप अपना घर बना लेते हैं उनको कह सकते हैं ट्रांजिट होम्स चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम वो जो बच्चे हैं इन्हीं में क्या हो रहे हैं बड़े हुए बड़े हो रहे हैं बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल और ये जो बच्चे हैं ये इनके पार्टनर्स हैं इनके सहयोगी हैं इनके सर्वाइवल मतलब इनके जीविका में जो हम ये जीवन को जीने के लिए आजीविका कमाते हैं उनमें इनके बच्चे भी इनके पार्टनर्स हैं मतलब उतना ही इनका हाथ बटाते हैं उतना ही इनका सहयोग करते हैं जितना ये बड़े लोग कर रहे होते हैं इसलिए इनको पार्टनर वर्ल्ड यूज़ किया गया है एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीनिंग मीन्स रैक पिकिंग और मतलब सीमापुरी में क्या करना सर्वाइव करना मतलब जीने का मतलब है कि आप वहाँ पर क्या कर रहे होंगे निश्चित तौर पर रैक पिकिंग कर रहे होंगे मतलब कबाड़ उठा रहे होंगे तो सीमापुरी पर ज़िंदा रहने का मतलब वहाँ पे रहने का मतलब या वहाँ पे जीवन को चलाने का मतलब या वहाँ पर आप क्या करते हैं कबाड़ बीन के ही अपने जीवन को कंटिन्यू कर सकते हैं थ्रू द ईयर्स कई सालों से इट हैड एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट ठीक है और कुछ समय से इस चीज़ ने क्या कर दिया है इट हैज़ एक्वायर्ड इसने ऐसी मतलब एक्वायर करने का मतलब उसको अपने उस पर लेना आ, अपने हाथों में लेना जैसा अब कल मैंने कर कर ली है या मैंने वो जगह एक्वायर कर ली निश्चित कर लेना इस चीज़ ने क्या कहला एक फाइन आर्ट का रूप ले लिया मतलब अब वहाँ पर रैक पेकिंग क्या हो गया एक आर्ट एक कला है क्यों है कि गारबेज टूदैम इज गोल्ड गारबेज जो कूड़ा है उनके लिए क्या है सोना है इट इज देयर डेली ब्रेड क्योंकि ये कबाड़ उनको क्या देता है इट इज़ मतलब ये कबाड़ इनके लिए डेली ब्रेड है मतलब इनकी रोज़ की रोटी है अब कबाड़ तो रोटी होती नहीं मतलब क्योंकि ये कबाड़ इनको क्या देता है रोज़ की रोटी देता है ए रूफ ओवर देयर हेड्स ये कबाड़ इनको क्या देता है छत देता है इवन इट इज़ लीकिंग रूफ चाहे वो क्या ना हो चाहे वो टपकती हुई छत क्यों ना हो लीकिंग का मतलब जिसमें पानी टपकता है ठीक है जब छत में कुछ छेद हो जाता है या कुछ कमियाँ रह जाती हैं तो वहाँ से पानी बरसात में पानी टपकना शुरू हो जाता है तो लीकिंग रूफ बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर लेकिन उस बच्चे के लिए ये काफ़ी ज़्यादा है किसके लिए जिसके ऊपर छत नहीं है उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसके ऊपर छत है चाहे वो टपकती क्यों ना हो इसीलिए उसने कहा कि ये एक फाइन आर्ट बन गया मतलब जो वहाँ पर एक कला बन गई है Uh, क्या करना कूड़ा बीनना है क्योंकि ये कूड़ा क्या करता है इनको एक सोने के समान है जो इनको छत देता है खाना देता है ठीक है और एक आश्रय देता है इसलिए ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कबाड़ आई समाइम फाइन ए रुपी अब वो जो बच्चा वो कह रहा है कि आई सम टाइम्स फाइन ए रुपी कभी कभी मुझे क्या मिल जाता है एक रुपया मिल जाता है उस कबाड़ में इवन ए टेन रुपीज नोट कभी कभी तो क्या हो जाता है दस रुपये का नोट भी मिल जाता है साहेब से ये साहेब कहता है इस बात को हीज़ आइज लाइटनिंग और उसकी आंखों में चमक आया थी जब दस रुपये बोलता है क्योंकि कबाड़ में दस रुपये मिलना वास्तव में बड़ी बात है ठीक है और ये एक कबाड़ी के लिए जो बच्चा कबाड़ बिन रहा है उसके आंखों में वास्तव में चमक लाने वाली चीज़ है वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ garbage जब तुम्हें क्या मिलता है यू कैन फाइंड जब तुमको मिलता है प्राप्त कर दो फाइंड का मतलब प्राप्त करना सिल्वर कॉइन कभी कोई चांदी का सिक्का इन ए हीप हीप का मतलब था ढेर ऑफ गार्वेज गार्वेज मतलब कूड़ा ठीक है तो जो कूड़े का ढेर होता है उसमें अगर कभी आपको क्या मिल जाता है चांदी का सिक्का मिल जाता है यू डोंट स्टॉप स्क्राउनजिंग तो स्क्राउनजिंग का मतलब क्या होता है स्क्राउजिंग का मतलब होता है उड़ा लेना चुरा लेना स्क्राउनजिंग का मतलब होता है बिना किसी को बताए किसी को इन्फॉर्म करे आप उसे क्या करते हैं उठा ले जाते हैं उड़ा लेते हैं ठीक है थीके. और किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करते क्योंकि वो उसके लिए क्या होता है एक बड़ी रकम होती है और बड़ी चीज़ होती है इसलिए वो किसी को बताता भी नहीं कि मुझे चांदी का चांदी का सिक्का मिला है चाँदी की कोई चीज़ मिली है फॉर द ईयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर और ये बात इनको क्या करती है एक आशा भी जगाती है कि इनको और ज़्यादा मिलेगा क्योंकि अगर इनको कोई चीज़ उस कबाड़ में मिलती है तो ये इनको प्रेरित करता है कि अगर एक चीज़ मिले तो फिर दूसरा भी मिलेगा या तो फिर और भी चीज़ें मिलेंगी तो इनको क्या करता है एक होप देते आशा देता है कि इनको और इसमें कुछ मिलेगा इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन इससे बच्चों को प्रतीत होता है गारबेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीनस टू देयर पेरेंट्स इससे क्या होता है कि जो गारबेज का अर्थ है इन बच्चों के लिए वो अलग है और इनके पेरेंट्स के लिए अलग है मतलब बच्चे इस गार्बेज को क्या सोचते हैं क्या एक रुपये मिला दस रुपये मिल गया ठीक है तो उनके लिए खुशी बात है लेकिन पेरेंट्स के लिए इनका अर्थ क्या है आजीवा चलाना तो दोनों के लिए क्या होते हैं इस गार्बेज का अर्थ अलग अलग है फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ ए रैप्ड इन वंडर क्योंकि बच्चे के लिए रैप्ड का मतलब होता क्या होता है रैप्ड का मतलब होता है ढका हुआ वंडर मतलब आश्चर्य से बच्चों के लिए आश्चर्य से ढकी हुई चीज़ है क्योंकि कबाड़ में आपको चांदी मिल रहा है सिक्के मिल रहे हैं पैसे मिल रहे हैं तो एक आश्चर्य यार कबाड़ में भी पैसा मिल रहा है जिसको कि लोग वेस्ट के तौर पे या वेस्टेज के तौर पे बाहर फेंक देते हैं वो किसी के लिए आजीव का है फॉर एड्रेस इट इज़ ए मीन ऑफ सर्वाइवल और माँ बाप के लिए क्या है उनके जो पेरेंट्स उनके लिए क्या है बड़े हैं उनके लिए क्या है जीवन चलाने का एक क्या है तरीका है एक रोज़गार है एक साधन है जिससे वो अपने परिवार को चलाते हैं तो बच्चों के लिए ये क्या है एक सरप्राइज है जो ढका हुआ है कबाड़ क्योंकि कबाड़ के अंदर होगा कोई भी चीज़ तो वो जो पैसा है रुपया है या चांदी है वो किसके अंदर ढका हुआ है उसका बड़क ढका इस लोग सरप्राइज़ को रैप कहा गया कि भाई जो वंडर है वो ढका हुआ है बच्चों के लिए ये इसका अर्थ ये हुआ और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए इसका अर्थ हुआ कि क्या है ये इनके जीवन चलाने की क्या है तरीका एक साधन है वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ट गेट ऑफ द नाइबरहुड क्लब वन विंटर मॉर्निंग एक जो सर्दियों की मॉर्निंग है आई सी मैंने देखा साहेब स्टैंडिंग साहेब खड़ा है बाय द फेंसड फेंसड कमल ऑफ द बाड़ा गेट ऑफ द नाइबरहुड क्लब जो क्लब बगल में एक नाइबर कुमार पड़ोस में एक जो क्लब है उसके गेट के गेट के जो बाड़ा है उस पर क्या है साहेब खड़ा है वॉचिंग टू यंग मैन वो देख रहा है दो जवान आदमियों को ड्रेस इन वाइट जिन्होंने क्या पहने हुए सफ़ेद कपड़े पहने हुए प्लेइंग टेनिस और वो क्या कर रहे हैं टेनिस खेल रहे हैं आई लाइक द गेम मैं इस गेम को पसंद करता हूँ ये साहेब कह रहा है मैं इस खेल को पसंद करता हूँ ही हम्स ही हम्स का मतलब क्या होता है स्पीक हेजिटेटली मतलब थोड़ा सा शर्मा के बोलना फिर थो, थोड़ा सा उसकी आवाज़ में क्या है कॉन्फिडेंस की कमी है ठीक है शर्माना तो नहीं कह सकते मतलब एक जिसको कहते हैं क्योंकि तो वो गरीब घर से आता है और वो कमज़ोर है और वो उस उस खेल को नहीं कह सकते इसलिए उसकी आवाज़ में थोड़ा क्या नहीं है वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो होना चाहिए इसलिए वो क्या करता है थोड़ा हेजिटेशन के साथ इस बात को बोलता है कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंस इसलिए क्या करता है वो कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना तो वो सेटिस्फाइड है वो कंटेंट का मतलब संतुष्ट है टू वॉच देखना है इट्स स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस मतलब वो बाड़े के बाहर से उस खेल को देखने में वो क्या है संतुष्ट है क्योंकि उसे पता है मैं गरीब हूं और मैं इसके अंदर नहीं जा सकता आई गो अब बोलता है मैं जाता हूं इन साइड इन साइड वेन नो वन इज अराउंड मैं इस बाड़े के अंदर जाता हूं लेकिन कब जाता हूँ जब इसके अगल बगल कोई नहीं होता है तभी जाता हूँ ही एडमिट्स यू स्वीकार करता है द गेट कीपर लेट्स यूज़ द स्विंग और जब मैं अंदर जाता हूँ तो जो इस क्लब का गेट कीपर है वो मुझे आज्ञा देता है एडमिट कर दो ठीक है कि मैं वहाँ अंदर जाके क्या करूँ उस स्विंग कर सूँ मतलब झूला झूल सकूँ साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज़ साहेब ने भी क्या पहना है बी टू डबल टी डबल ओ का मतलब होता है भी साहेब टू इज़ वेयरिंग वेयर मैंने पहनना टेनिस शूज जो साहेब उसने भी क्या पहने हुए टेनिस शूज़ पहने हुए हैं दैट लुक स्टेंच ओवर हीज़ डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स लेकिन उसके जो स्ट्रेंथ का मतलब अजीब से लग रहे हैं क्योंकि लग रहे हैं क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो डिसकलर्ड है मतलब शर्ट अलग रंग की है और जो उसके शॉर्ट हैं ठीक है वो क्या है अलग रंग के हैं थोड़ा मैच मैच आपस में क्या नहीं कर रहे सूट नहीं कर रहे क्योंकि जो लोग थे वहाँ पर दो लोग खेल रहे थे उनके कैसे थे वाइट थे मतलब उनके जो शर्ट थी वो भी वाइट थी और शॉर्ट भी क्या थे वाइट थे लेकिन यहाँ पर क्या है जो साहेब है इसके शर्ट और जो शॉर्ट हैं वो क्या है आपस में मैच नहीं कर रहे हैं डिस्कलर्ड मतलब अलग अलग रंग के हैं इसलिए वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था साहेब सम वन गेव दैम टू मी तो वो साहेब इस बात को बोलता है कि सम वन मतलब किसी ने उनको ये चीज़ें दी है मतलब किसी ने उसको ये क्या दे दिए कपड़े दे दिए हैं पहनने के क्योंकि वो रोज़ उस बाड़े के बाहर से उनको देखता है तो वो जो वहाँ पर खेलते हैं उन्होंने आते जाते हैं उसे देखा होगा तो उनमें से किसी ने उसको वो जूते और वो कपड़े दे दिए इस द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेशन तो इस बात को क्या करता है एक व्याख्या करने के मतलब एक एक्सप्लेन करता है इस बात को कि भाई की, ए, मुझे ये कपड़े किसी ने दिए हैं क्योंकि उसको देखने से लग जाता है कि ये इसके तो नहीं हो सकते हैं द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉयज़ और द फैक्ट जो सच है वो क्या है कि जो ये कपड़े हैं ये डिस्कार्डेड है मतलब जो जब बच्चे क्या करते थे किसी चीज़ को पहनने से मना कर देते हैं जैसे कोई कपड़ा पुराना हो जाता है जूता पुराना हो जाता है तो हम बोलते हैं मैं इसको नहीं पहन रहा लेकिन ऐसे कौन करते हैं ऐसे वो लोग करते हैं जो कौन जो होते हैं रिच बॉय जो अमीर बच्चे होते हैं ऐसा वही करते हैं कि भाई मैं ये पुराना हो गया मैं नहीं पहन रहा तो किसी जो अमीर बच्चे ने जिनको पहनने से इनकार कर दिया होगा ये जूते क्या हैं उन्हीं के हैं ये कपड़े उन्हीं के हैं हु पर हैब्स रिफ्यूज़ टू वियर दैम बिकॉज ऑफ़ ए होल इन वन ऑफ देम तो वो क्यों उसने रिफ्यूज़ किया होगा पहनने से उस अमीर बच्चे ने हु पर हैप्स शायद रिफ्यूज़ टू तो वियर मतलब रिफ्यूज में मना करना वेयर पहनने से देम बिकॉज क्योंकि ए होल इन वन ऑफ देम क्योंकि उन जूतों में से एक जूते पर क्या हो गया था छेद हो गया था तो उन जूतों में से एक जूते पर क्या हो गया था छेद हो गया था इसलिए उनमें से क्या करता है जो अमीर बच्चा है वो शायद इन जूतों को पहनने से मना कर देता होगा इसलिए उसके पेरेंट्स ने ये जूते किसको दे दिए साहेब को दे दिए डज नॉट बोदर हिम लेकिन ये बात उसको परेशान नहीं करती कि उसके एक पे क्या है जूते पे छीदे फॉर वन हुज़ वॉक ब्योर बेयर फूट क्योंकि जो आदमी क्या करता हो नंगे पैर घूमता हो इवन शूज विद ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू उसके लिए उसके पैरों में जूता होना उसके सपने के सच होने जैसा है मतलब चाहे उसमें छेद ही क्यों ना हो तो जो बच्चा नंगे पैर घूमता हो ठीक है उसके पैरों में जूता होना क्या है एक सपने के सच होने जैसा है चाहे उसमें छेद ही क्यों ना हो बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच लेकिन जिस खेल को वो बहुत क्या कर रहा है वॉच कर रहा है देख रहा है बड़े क्या ध्यानपूर्वक से देख इंटेंटली मतलब बड़े ध्यानपूर्वक से देख रहा है इज़ आउट ऑफ हिज रीच रीच मतलब पहुँच वो खेल उसके क्या है खेल उसकी जो पहुँच है उससे क्या है काफ़ी दूर है मतलब क्योंकि वो जो खेल है वो किसका अमीर वो खेल है और वो उसकी रेंज से बाहर है दिस मॉर्निंग साहिब इज़ वन ऑन हिज वे टू द मिल्क बोथ दिस मॉर्निंग आज की सुबह क्या था साहिब इज़ ऑन हिज़ वे अपने रास्ते पर चल रहा था द मिल्क बूथ ठीक है बूथ सॉरी मिल्क बूथ की तरफ मतलब जहाँ पर दूध को बेचा जाता है वहाँ उस तरफ कौन जा रहा था साहेब जा रहा था इन हिज हैंड इज ए स्टील कंटेनर दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ आज की सुबह क्या था साहेब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था इन हिज हैंड इज ए स्टील कंटेनर उसके हाथ में क्या था एक कनिस्तर था किसका स्टील का कनेस्टर था उसके हाथ में आई नो वर्क इन एटी आई नाउ वर्क इन एटी स्टॉल डाउन द रोड आई नाउ वर्क मतलब अब मैंने किस पे काम करना शुरू कर दिया टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया जो कि रोड के उस तरफ है ही सेज वो कहता है पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस एक दूरी पर वो पॉइंट करता है मतलब एक दूरी पर वो दिखाता है कि कुछ दूरी पर क्या है मैंने चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया और उस जगह को पॉइंट करता दिखाता है हाथ से दिखाता है कि भाई उस दुकान पर मैं काम कर रहा हूँ आई आठ हंड्रेड रुपीज़ मुझे कितना मिलता है आठ सौ रुपये मिलता है एंड ऑल माई मील्स और मुझे खाना भी मिलता है आठ सौ रुपये मिलता है और क्या मिलता है खाना मिलता है डज ही लाइक द जॉब क्या वो इस जॉब को पसंद करता है क्या उसको ये जॉब पसंद है आई आस्क मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें तो जॉब पसंद है हीज़ फेस उसका जो चेहरा है आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक तो उसका जो केयर फ्री मतलब जो एक रिलैक्स मूड था जो रिलैक्स चेहरा था उसका उसको उस, उस, क्या उसने खो दिया थोड़ा वो टेंस हो गया था ठीक है मतलब उसने अपना जो एक नॉर्मल फेस था उसको थोड़ा खो दिया था मतलब वो थोड़ा सा मतलब इससे ये पता चलता कि उस बात से क्या नहीं था खुश नहीं था उसका चेहरा थोड़ा मुरझा गया था द स्टील कंटेनर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर ठीक है द स्टील कैनिस्टर जो स्टील कैनिस्टर था सीम्स वो प्रतीत हो रहा था हेवियर मतलब भारी प्रतीत हो रहा था देन द प्लास्टिक बैग प्लास्टिक बैग से तो जो, जो प्लास्टिक बैग था उससे वो जो कंटेनर था वो क्या था भारी प्रतीत हो रहा था ही जिसको वो क्या कर रहा था जिसको बहुत आसानी से लाइटली कैरी कर मतलब ले जा रहा था ओवर ही शोल्डर अपने कंधों के ऊपर तो अपने कंधों के ऊपर जो कनेस्टर ले जा रहा था वो ज़्यादा भारी प्रतीत हो रहा था बस अर्ते की जो प्लास्टिक बैग उसने अपने कंधों पर रखा था अंदर क्या था द बैग वॉज हिज जो बैग था वो उसका था द कंस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स हिज टी शॉप और जो कनेस्टर था वो किसका था उस मालिक का था जिस चाय की दुकान पर वो क्या करता था काम करता था साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर साहेब अब अपना मास्टर अपना मालिक खुद नहीं रह गया था अब वो किसी के अंडर में काम करता था ठीक है इसलिए वो उसका आ, क्या करता था गुलाम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मास्टर वर्ड यूज़ किया गया तो मतलब वो अब किसी का गुलाम हो गया था क्योंकि वो किसी के साथ काम करता था और उसके बदले वो आदमी उसे पैसे देता था अब देखिए आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें एक नया लड़का है मुकेश ठीक है उसका एम्बिशन थोड़ा डिफरेंट है इससे मुकेश इंसिस्ट ऑन बींग हिज ओन मास्टर लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर क्या कहा उसने कि जो सहाय था वो अपना मास्टर अपना मालिक तो खुद नहीं रह गया था लेकिन जो मुकेश था वो क्या करता है इंसिस्ट कर रहा था मतलब जोर देकर बोल रहा था दिखाई दे रहा था ठीक है क्या कर जोड़ देकर दिखा था ऑन बींग हिज ओन मास्टर वो अपना मालिक खुद बनना चाहता था तो मुकेश अपना मालिक खुद बनना चाहता था वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता था वो किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता था आई विल बी ए मोटर मैकेनिक और मुकेश कहता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ ही अनाउंस ये वो इस बात की घोषणा करता है डो यू नो एनी थिंग अबाउट द कार्स अब जो पॉइंट जो सॉरी जो राइटर पूछता है वो पूछते हैं डू यू नो एनी थिंग अबाउट द कार्स क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो आई आस्क मैं पूछता हूँ आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार तो मुकेश जवाब देता है आई विल लर्न मैं सीखूंगा ड्राइव ए कार ठीक है क्या करना है कार को चलाना तो मैं कार को चलाना सीखूंगा ये इस बात का उत्तर देता है ही आंसर्स वो उत्तर देता है लुकिंग स्ट्रेट इन टू ही माई आईज और वो क्या करता है राइटर की आंखों में स्टेट मतलब सीधा दिखता है मतलब आई कॉन्टैक्ट बनाता है इसका मतलब उसकी आंखों में क्या था उसके बातचीत में क्या था कॉन्फिडेंस था आई कॉन्टेक्ट कॉन्फिडेंस का सिंबल भी माना जाता है तो वो कॉन्फिडेंस से मेरी आंखों में देख इस बात को बोलता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज मीराज एमिटिस्ट द ड्यू ऑफ सॉरी डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ओन फिरोजाबाद लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज हिज ड्रीम्स लुक लूम्स इज ड्रीम्स लूम्स का मतलब होता है एपेस दिखाई देना हिज ड्रीम्स लूम्स मतलब जो उसके सपने थे वो उसकी आंखों में दिखाई दे रहे थे लाए के मिराज किसकी तरह है? एक मिराज की तरह दिखाई दे रहे थे ठीक है मिराज को बंद कह सकते हैं मिर्ग मिर्ची का जो थोड़ा सा कई बार क्या नहीं होती है संभव नहीं होती है थोड़ा कठिन होती है मुश्किल होती है एबडिस्ट द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट दैट फील हिज ओन टाउन फिरोजाबाद और वो क्या कर रहा था धुंधला कर रहा था ठीक है किस उसके सपनों को ठीक है जैसा कि फिरोजाबाद जो शहर है जो टाउन है जो कस्बा है उसकी धूल में जैसे जो फिरोजाबाद शहर की क्या है धूल है ठीक है उससे क्या हो जाता है धूल से कोई चीज़ क्या होती धुंधली दिखनी शुरू हो जाती थी वैसे ही उसका जो ये सपना था उसमें चमक तो थी लेकिन फिर उसके जो सपना था वो थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा था क्योंकि उसकी जो परवरिश है उसके हिसाब से वो थोड़ा टास्क मुश्किल था क्योंकि उसको कार चलाना नहीं आता था ठीक है और कुछ जानता भी नहीं था गाड़ी के बारे में फिरोज़ाबाद फेमस फॉर हिज बेंगल्स जो फिरोजाबाद है वो किसके लिए फ़ेमस है अपनी चूड़ियों के लिए फ़ेमस है एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ इंगेज इज मेकिंग बेंगल्स एवरी अदर फैमिली मतलब प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में इज़ इंगेज बेस्ट है इन मेकिंग बेंगल्स ठीक है चूड़ियाँ बनाने. बनाने में चूड़ियाँ बनाने में लगभग हर दूसरा परिवार किसको बनाने में बेस्त है चूड़ियाँ बनाने में बेस्त है इट इज़ देंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री ठीक है ये जो सेंटर है ठीक है किसका सेंटर है कि जो ग्लास की इंडस्ट्री है जो मतलब कांच की जो इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा क्या है बाजार है बहुत बड़ा उद्योग है यहां पर ठीक है वेयर फैमिलीज है स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वूमेन इन द लैंड इट सीम्स जहाँ पर कई लोगों ने अपनी कई जनरेशन कई क्या पीढ़ियाँ बिता दी हैं वर्किंग अराउंड फ्रेंसेज फ्रेंसेज का मतलब होता है आपका क्या भट्टियों में जलती हुई भट्टियों क्योंकि जब आप कांच को गलाएंगे तभी चूड़ियाँ बनेंगी तो जो जो भट्टियाँ हैं उनमें इन्होंने कई लोगों ने क्या कर दिया उनमें अपने क्या कर दिया कई पीढ़ियाँ बिता दी हैं उन जो कांच की भट्टियाँ हैं जो कांच को गला करके क्या बना दी चूड़ियाँ बना दी उनमें कई लोगों ने अपने कई जो जनरेशंस हैं कई पीढ़ियाँ बिता दी हैं वेल्डिंग मतलब उनको जोड़ने में ग्लासेस मतलब कांच को कांच को जोड़ने से ही क्या बनेगा आपका चूड़ी बनेगी मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स जो कि इस लैंड में सभी क्या करते महिलाएं पहनती हैं लगभग इंडिया की बात हो रही, रही है कंसेप्ट में बात हो रही है ठीक है फॉर द वुमेन फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स मतलब जिस लैंड में हम रहते हैं ठीक है उसमें लगभग लगभग क्या करते हैं मतलब लगभग बहुत ज़्यादा जो उसका मेजोरिटी है मैं वो महिलाएं इस क्या करती बेंगल्स को पहनती हैं तो उसको बनाने में इन लोगों ने कई अपनी जनरेशंस खपा दी हैं मुकेश फैमिली इज देम और मुकेश का परिवार भी उनमें से क्या है एक है नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस ठीक है अब वो क्या कह रहा है कि नन ऑफ दैम नो इनमें से कोई नहीं जानता दैट इट इज़ इलीगल कि ये क्या है गैर कानूनी है फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फ्रेंस मतलब कि जो बच्चे हैं जो कांच की फैक्ट्रियों में या भट्टियों में काम करते हैं उनमें बच्चों का काम करना क्या है गैर कानूनी है ये कम लोग जानते हैं या कोई नहीं जानता है विद हिज हाई टेम्परेचर जिस जिन भट्टियों का क्या है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उनमें बच्चों का काम करना क्या है बहुत ज़्यादा गैर कानूनी है ठीक है इंडिनजी सेल्स इंडिन सेल्स का मतलब होता है ग्लूमी अंधेरी और नीरस जो सेल्स हो, होती हैं जो बैरक होती हैं का मतलब होता है अंधेरी और नीरस जो बैरक्स होती हैं विदाउट एर जहाँ पर क्या नहीं होती है ना हवा होती है और ना ही क्या होती है लाइट होती है प्रकाश होता है दैट द लॉ ये कानून है कि उनमें बच्चों मतलब उन, आप इन फैक्ट्रियों में जहाँ पर आप इतनी भट्टियाँ हैं उनमें आप इन बच्चों के छोटे बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं इफ़ इन फोर्स यदि ऐसा लागू हो जाता है या ऐसा होता है तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज ट्वेंटी थाउजेंड चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फाइनेसिस वैट दे स्लॉग देअर डे लाइट हावर्स तो उससे क्या हुआ कुड गेट हिम हम गेट हिम एंड ऑल दोज ट्वेंटी थाउजेंड चिल्ड्रन तो हम कम से कम बीस हज़ार बच्चों को उन चीज़ों से आउट ऑफ द हॉट फाइन उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाल सकते हैं वैट दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स जहाँ पर वो क्या कर रहे हैं अपने जो डे लाइट आवर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं वर्किंग हार्ड ड्यूरिंग द डे टाइम इसको कहेंगे आप ठीक है तो जहाँ पर क्या कर रहे हैं ये जो स्लॉग डे लाइट आवर्स है मतलब जो दिन भर के क्या है दिन है उनका जो दिन भर का समय है उसमें ये जो बीस हज़ार बच्चे दिन भर उन गर्म भट्टियों में काम कर रहे हैं उन गर्म भट्टियों से हम उन बीस हजार हज़ार बच्चों को बचा सकते हैं अगर हम इस कानून को क्या कर सकें लागू कर सकते हैं तो उनका जीवन बच सकता है ऑफ़न लॉस लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज़ ऑफन अक्सर लूजिंग मतलब वो क्या कर देते हैं लॉस कर लेते हैं लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ दर आइज वो अपनी आँखों की क्या खो देते हैं चमक खो देते हैं नजर क्या नज़र खो देते हैं मुकेश आइज बीम एस हिज वॉलेंट्रस टू तो टेक मी होम मुकेश आइज इज बीम एस ही वॉलेंट्रस टू तो टेक मी होम तो बीम्स का मतलब होता है साइन ब्राइटली जो चमक थी मुकेश क्योंकि वो उसमें चमक थी और वो मुझे कहाँ ले इच्छा से वॉल्ट्रर्स का मतलब अपनी इच्छा से टू तो टेक मी होम अपने घर ले जाना चाहता था विच ही प्राउडली सेज इज बींग रिबिल्ड जिसमें वो गर्व से कहता है कि वो क्या कर रहा है रिबिल्ड हो रहा है मतलब दोबारा से बन रहा है वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस लेंस चोक्ड विद द गारवेज वी वॉक डाउन हम उस उसमें चलना शुरू होते हैं स्टिंकिंग मतलब जहाँ बदबू आती है लेंस का मतलब जो गलियाँ होती हैं चोकड मतलब जो जिसमें रुक जाता है चोक होना के सुना आपने कि चोक हो गई गली मतलब रुक जाना ठीक है तो जो गलियाँ हैं वो क्या हो गई हैं चोक हो रखी हैं मतलब उनमें कबाड़ फंसा हुआ है इसलिए जो पानी है वो आगे नहीं बह पा रहा है ठीक है उनमें जगह जगह कबाड़ फंसा हुआ है ठीक है या उनमें अवरोध पैदा लेंस में क्या अवरोध पैदा हो रखे हैं विद गार्बेज कूड़े से तो कूड़े ने क्या कर दिया रास्तों को रोका हुआ है उन रास्तों को खराब करा हुआ है पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स क्रम्बलिंग वॉल्स पास्ट होम मतलब मैं गुजरा होम्स दैट रिमेन जो घर अभी भी क्या है रिमेन होवल्स होवल्स का मतलब होता है आपका छोटा घर मामूली सा घर मतलब जो मर् बनाओ मिट्टी से बनाओ ठीक है उन घरों में विद द क्रम्बलिंग वॉल्स crumbling walls मतलब होता है टूटी फूटी दीवारें जगह जगह से जो टूटी फूटी दीवारें होती हैं तो जो घर हैं वो क्या है छोटे मोटे घर हैं साधारण से घर हैं और वो उनमें भी क्या है जगह जगह दरार पड़ी हुई है उन घरों से होते हुए में क्या गुजरा वुबली डोर्स वुबली डोर्स का मतलब हिलने वाले दरवाज़ा जो दरवाजे वो क्या है क्या हिल डुल रहे हैं ठीक है आगे पीछे डगमगाने वाले हैं है? वो रहे मतलब ढंग से नहीं लगे हुए इसका मतलब वो भी प्रॉपर नहीं है नो विंडो जहाँ कोई खिड़की नहीं है क्राउडड विद द फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्रिमिवल स्टेट ठीक है क्राउडेड मतलब जो परिवार वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है ह्यूमन्स वहाँ पर क्या इंसान भी रहते हैं और एनिमल्स भी रहते हैं मतलब उसी जगह पर इंसान भी उस जगह पर क्या जानवर भी रह रहे हैं को एग्जिस्ट मतलब साथ साथ रह रहे हैं इन द प्रिवल स्टेट प्रीमिवल स्टेट का मतलब होता है आपका क्या आदिम युग जैसे आदिम युग में होता था कि क्या जानवर और इंसान साथ साथ में रहते थे वैसे ये लोग भी आदिम युग में रह रहे हैं ठीक है जानवर और इंसान साथ साथ में रह रहे हैं ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस ही स्टॉप वह रुकता है एक दरवाजे पर एक किसी घर के दरवाजे पर वो रुकता है बैंक्स बैंक्स का मतलब होता है आपका स्ट्राइक फोर्सफुली नॉइज ली मतलब किसी चीज़ पर जोर से धक्का देना वो बली ठीक है ऐसे डगमगाते हुए जो दरवाजा हिल रहा था ठीक है आयरन डोर वित हिज फूट ठीक है तो क्या करता है कि एक जो लोहे का दरवाजा है जो डगमगा रहा था हिल रहा था उस पर वो बहुत ताक्या करता है पैर से धक्का मारता है ठुकर मारता है ठीक है एंड पुस इट ओपन और उसको क्या करता है पुश करता है धक्का देता है और उसको क्या करता है खोलता है पुल मैंने होता है खींचना पुश मैंने धक्का देना तो वो क्या करता है अपने पैरों से एक दरवाजे पर धक्का देता है खोलने के लिए जो कि दरवाज़ा किसका बना था लोहे का बना था, बना था? वी इंटर ए हाफ बिल्ड शेक हम क्या करते हैं एक कुटीर में एक केबिन में कह सकते हैं शेक का मतलब कुटीर कह सकते हैं केबिन कह सकते हैं जो क्या बना था अधूरा बना हुआ था उस पर हम क्या करते हैं प्रवेश करते हैं इन वन पार्ट ऑफ इट उसके एक हिस्से में दैट दे, मतलब विद डेड ग्रास फूस जिसको कहते हैं घास फूस होता है तो फूस विद दैट डेड ग्रास ठीक है जो फूस पड़ी हुई थी वो डेड ग्रास मतलब डेड उस एक कोने पर क्या बती है फूस और घास पड़ी हुई थी इज ए फायर वुड स्टोव ओबर विथ विच सी सिट, ए लार्ज वेशल ऑफ सीजलिंग स्प्रिच लीप्स ठीक है तो क्या हो गया इन्हें फायरवुड स्टोव फायरवुड का मतलब स्टोव स्टोव का मतलब चूल्हा फायरवुड जिसमें जिसमें लकड़ी चलाते हैं लकड़ी चलाने का जो चूल्हा है ओवर विच जिसके ऊपर से क्या रखे थे सिट्स लार्ज वेसल्स जो बड़े बड़े क्या रखे थे बर्तन रखे वेल्स मतलब बर्तन रखे थे ऑफ सीजनिंग स्प्रिच लीव्स ठीक है सीजनिंग का मतलब होता है छन छन की आवाज़ कर रहे थे स्प्रिच लीव्स का मतलब स्प्रिच जो आपका क्या होता है पालक होता है ठीक है उसकी लीव्स रखी थी तो वो जो बर्तन था उसके ऊपर क्या रखी थी पालक के पत्ते रखे हुए थे और वो जो बर्तन थे आपस में आवाज़ कर रहे थे क्योंकि आपस में टकरा रहे थे क्योंकि वो स्टोव के ऊपर क्या कहते थे चूल्हे के ऊपर रखा था और वहाँ से उसकी छन छन की आवाज़ आ रही थी ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एलूमिनियम प्लेटर्स इन द ग्राउंड इन द लार्ज एलूमिनियम मतलब ऑन द ग्राउंड जो ग्राउंड था जो नीचे ज़मीन थी इन लार्ज एलूमिनियम प्लेटर्स उसमें क्या थी तस्तरियाँ रखी थी प्लेटर्स का मतलब क्या हुआ आपका तस्तरियाँ बड़ी बड़ी किसकी एलोनीम की तस्तरियाँ रखी थी आर मोर चोप्ड वेजिटेबल्स और उनमें क्या रखी थी कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई थी ए फ्रेल यंग वोमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली ए फ्रेल फ्रेल का मतलब क्या होगा आपका कमजोर नाचुक जिसको कह सकते हैं कमज़ोर सी बीमार सी एक जो औरत है एक महिला है एक कमज़ोर सी महिला है ठीक है जो क्या है जवान है वो क्या करती है इज कुकिंग बना रही है द इवनिंग मील शाम का खाना बना रही है फॉर द होल फैमिली पूरे परिवार के लिए तो एक कमज़ोर सी महिला शाम के लिए सबका पूरे परिवार का खाना बना रही है थ्रू आइस फील्ड विद द स्मोक सी स्माइल्स उसकी आंखों में क्या भरा हुआ धुआं भरा हुआ है क्योंकि वो जो उनका कमरा वो बहुत छोटा है और उसमें क्या है स्टोव भी कैसा है जिसमें लकड़ियाँ जलती हैं चूल्हा है लकड़ी वाला तो उसने शोरमा धुआं उसकी आंखों में धुआं है और वो फिर भी क्या कर रही है मुस्कुराती है सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर बर्दर वो किसकी पत्नी है मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स वो उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है सी हैज़ बी टू कम रिस्पेक्ट एज द बहू ठीक है सी हैज़ बी गन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू उसको अपनी क्या करनी है जो बहू की एक कमांड है उसके बहू का जो दर्जा है उसको बनाए रखना है उसको मेंटेन करना है बहू की इज्जत को जो एक होती स्टेटस होता है उसको मेंटेन करना है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं उसके ऊपर बहुत सारे आ, कह सकते हैं उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग होती है ये आपको आगे दिख जाएगा क्यों कह रहे हैं ऐसे द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस क्योंकि घर के क्या है पुत्र बधु है ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन उसके ऊपर तीन चार्ज कमान यहाँ पर जिम्मेदारी से उसके ऊपर तीन पुरुषों की जिम्मेदारी है हर हस्बैंड उसको अपने पति की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर है मुकेश की ज़िम्मेदारी और दियर फादर उन दो मुकेश और उसके भाई की जिम्मेदारी है वैन द ओल्डर मैन इंट्रस्ट जब घर का सबसे बुजुर्ग आदमी मतलब मुकेश के पिताजी आते हैं शी जेंटली विद बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड वो क्या करती है सीधा सीधा कहाँ चली जाती है जो टूटी फूटी दीवार है उसके पीछे चली जाती है एंड ब्रिंग हर व्हील क्लोज़र और जो उसका घूंघट है व्हील का मतलब होता है घूंघट क्लोज़र टू हर फेस और अपने चेहरे में ले आती है ये इंडियन कल्चर भी है कि जब हम अपने से बड़ों से मिलते हैं या जो खाली रिश्ते में बड़े होते हैं तो जब हमारी घर की बहुएँ उनके सामने आती हैं तो फेस सीधा ओपन करके नहीं आती हैं अपने चेहरे में क्या ले आती हैं घूंघट ले आती हैं और घूंघट के ओढ़ करके अपने से बड़ों या बुज़ुर्गों के सामने आती हैं यहाँ पर मुकेश की जो भाभी है उसके साथ भी ऐसे ही हो रहा था इसलिए वो घूंघट ओढ़ने के लिए दरवाजे की सॉरी दीवार के पीछे जाती है एज़ कस्टम डिमांड्स ये क्या करता है डिमांड मतलब ये किसकी जरूरत नहीं कस्टम मतलब जो हमारी परंपराएं हैं उसकी डिमांड है उसकी क्या है Uh, उसकी एक uh, ट्रेडिशन है हमारा हमारा ये जो कस्टम है जो हमारी परम्परा है हमसे डिमांड करती है कि हम उस uh, जो कस्टम है जो परंपराएं जो हमारी संस्कृति है उसको फॉलो करें उसको पालन करें डॉटर इन लॉ मस्ट वील दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स क्योंकि हमारे की जो परम्परा है उसमें क्या करती हैं जो बुद्र बदुहें होती हैं ठीक है जो बहुएँ होती हैं है, वो क्या करते हैं जो मेल एल्डर्स होते हैं मतलब जो घर के पुरुष बड़े होते हैं उनके सामने हमेशा सा घूंघट उड़ करके आती हैं इन दिस केस द elder इज़ एन impoverished बेंगल्स मेकर इस जो केस है इस केस में जो सबसे बड़े हैं घर के वो क्या हैं impoverished का मतलब कह है सकते हैं आप क्या होते हैं पुअर गरीब बेंगल मेकर हैं एक चूड़ी बनाने वाले तो इस घर में जो घर के बुजुर्ग हैं या जो घर के बड़े हैं वो क्या हैं एक गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं डिस्पाइड लॉन्ग ईयर्स ऑफ फॉल एवर इतने लंबे मेहनत करने के बाद इतनी कठिन मेहनत करने के बावजूद फर्स्ट एज ए टेलर उन्होंने सबसे पहले क्या किया एज टेलर का काम करना शुरू किया देन बेंगल मेकर उसके बाद उन्होंने चूड़ी बनाने का काम शुरू किया ही हैज़ फेल्ड टू रिमोट रिनोवेट ए हाउस उसके बावजूद भी ही वो एक घर को रिनोवेट नहीं कर पाए एक घर को दुरुस्त नहीं कर पाए एक घर को ढंग से नहीं बना पाए और वो जो घर है वो टूटा फूटा है तो उसको ढंग से उसकी मरम्मत भी नहीं कर पाए इतने सारों के संघर्ष के बाद भी सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल उन्होंने अपने दो बच्चों को क्या किया स्कूल भेजा ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इस टीज डे और ये सब उसने क्यों किया इतना संघर्ष क्यों किया क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अपने दोनों बच्चों को क्या करूँ पढ़ा सकूँ वट ही नोज जो जानते हैं द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स अब किसके आर्ट को जानते हैं चूड़ी बनाने के आर्ट को वो जानते हैं इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को क्या करा अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था उनका सपना था इसीलिए शायद वो अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पाए मरम्मत भी नहीं कर पाए आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है इसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे थैंक यू वेरी मच